ओम शांति। बीके सपना के किचन में आप सबका स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ एगलेस ऑमलेट। इसके लिए इंग्रेडिएंट्स लोड कर लीजिए। सबसे पहले 1 कप बेसन, आधा कप मैदा, 1 चुटकी भर हल्दी, ये है आपका ब्लैक पेपर पाउडर, थोड़ा सा नमक स्वाद के हिसाब से, 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर, और ये है आपका चाट मसाला। चाट मसाला भी स्वाद के हिसाब से ही डलेगा। और ऑमलेट में डालने के लिए सब्जियों में आपका टमाटर, थोड़ा सा कैप्सिकम कटा हुआ छोटे छोटे पीसेस में, 1 टीस्पून मटर, और ग्रेट किया गया गाजर, 1 टीस्पून धनिया पत्ता थोड़ा सा, और आप हरी मिर्च भी डाल सकते हो। अभी ये सूखे इंग्रेडिएंट्स को हम लोग एक बाउल में डाल देंगे। डाल के देखिए, सबसे पहले मैंने बेसन लिया, उसके बाद मैदा, फिर उसमें अभी डालूँगी आपका बेकिंग पाउडर, ये हल्दी, थोड़ा सा हल्दी एकदम थोड़ा सा ही लीजिएगा जस्ट कलर के लिए। ये जो बिना अंडे का ऑमलेट बनता है ये बहुत क्रिस्पी और बहुत टेस्टी होता है, एकदम अंडे के ऑमलेट की तरह ही लगता है खाने के लिए। उसके बाद हम लोग उसमें ब्लैक पेपर पाउडर डाल दिए। अभी उसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। पहले उसको चम्मच से अच्छे से मिला लेंगे, उसके बाद हम लोग ज़रूरत के हिसाब से पानी डालेंगे। ज़रूरत और पानी याद रखिएगा, थोड़ा थोड़ा करके डालिएगा। थोड़ा थोड़ा करके डालने से उसमें गुठलियाँ नहीं पड़ेंगी, लम्ब्स कुछ भी नहीं रहेगा। हमने थोड़ा सा पानी पहले डाला, लेकिन देखिए और थोड़ा पानी भी हम लोग को चाहिए, इसमें और थोड़ा पानी भी जाएगा, इसीलिए हम लोग उसमें और थोड़ा पानी भी यूज़ करेंगे। यूज़ करके इसको अच्छे से मिलाते जाएंगे, धीरे धीरे पानी ऐड करते जाएंगे और उसको अच्छे से मिक्स करेंगे। देखिए अभी मैं उसको अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। मिक्स करके उसका कंसिस्टेंसी जो है उसको हम अंडे के ऑमलेट में जैसे फेंट के बनाते हैं ना, कंसिस्टेंसी जैसे रहता है उसी तरह से ही उसका कंसिस्टेंसी हम लोग को थोड़ा पतला ही चाहिए। देखिए हम लोगों ने अभी इसको मिक्स कर दिया अच्छे से, इसका कंसिस्टेंसी जो है इतना ही रहना चाहिए, तब आपका जो ऑमलेट है वो अच्छे से फ्लफी फ्लफी बनेगा। अभी हम लोग गैस में तवा को बिठा देंगे, एक ब्रश की सहायता से हम लोग कम ऑयल यूज़ करेंगे जो कि हेल्दी होता है बॉडी के लिए, तो इसीलिए हम लोग थोड़ा सा हेल्थ कॉन्शियस होंगे। यहाँ पे ऑयल एकदम थोड़ा सा लेंगे, ब्रश की सहायता से ऑयल लगा लिए, और याद रखिएगा तवा को एकदम गर्म होने दीजिएगा। कम गर्म में बनाने से ये इसका टूटने का चांसेस बहुत रहता है। हम लोग इसमें जो सब्जी भी हम लोगों ने लिया था वो सब डाल दिए, डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर दिया मैंने। फिर मैं अभी तवा भी हम लोग का गर्म हो गया है, अभी तवे में इसको स्प्रेड कर दूंगी अच्छे से। देखिए मैं कैसे कर रही हूँ, सारा कंसिस्टेंसी मैं इसमें डाल के मिक्सचर को अच्छे से इसको स्प्रेड कर देना है। देखिए किस तरह से स्प्रेड कर रही हूँ। जो नए व्यूअर्स हैं वो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए, और नए वीडियो जो मैं अपलोड करूँगी उसको पाने के लिए आप लोग साइड में सब्सक्राइब बटन के साइड में जो बेल आइकन है उसमें क्लिक कर लीजिएगा। देखिए हम लोग का ऑमलेट का एक साइड हो गया है, हम लोग अभी इसको दूसरे साइड पलट दिए। इसका टेक्सचर कितना अच्छा आया, कितना कलरफुल लग रहा है, आप लोग तो देख ही सकते हो। ये खाने में भी बहुत टेस्टी है, एकदम कुरकुरा लगता है, ये अंडे के ऑमलेट जैसा ही लगता है, देखने में भी वैसा ही है। देखिए हम लोग का ऑलमोस्ट हो गया है बिना अंडे का जो ऑमलेट है, देखिए सामने से ये अंडा ऑमलेट जैसा ही लग रहा है ना। आप लोग ज़रूर इसको घर में ट्राई करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए।